नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ आपका मन से लर्निंग चैनल में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, एचपी बोर्ड 8th क्लास की नई डेट शीट एचपी बोर्ड के द्वारा मॉडिफाई करके जारी की गई है, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। वीडियो अंत तक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है, अधिसूचित किया जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यार्थियों के 8वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की पूर्व अधिसूचित दिनांक सूची को परीक्षार्थी हित में निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया जाता है। तो इसमें दिनांक दी है, दिवस दिया है और विषय दिया हुआ है। दिनांक दोस्तों 12/3/2020 वीरवार है, अंग्रेजी का पेपर होगा। 13/3/2020 को शुक्रवार है, ड्राइंग का पेपर लिया जाएगा। 14/3/2020 को शनिवार है, हिंदी का पेपर। 16/3/2020 सोमवार गणित। 17/3/2020 को मंगलवार है संस्कृत। 18/3/2020 को बुधवार है सामाजिक विज्ञान। 19/3/2020 वीरवार है, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पेपर दोस्तों लिया जाएगा। अब दोस्तों 20 तारीख को छुट्टी रही है। 21/3/2020 को शनिवार है और इस दिन दोस्तों साइंस का पेपर, विज्ञान यहाँ लिखा हुआ है, इसका पेपर लिया जाएगा। और दोस्तों साथ में नीचे लिखा है, यह परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में प्रातः 9:45 से अपराह्न 1 बजे तक संचालित की जाएगी। संशोधित दिनांक सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों ये पूरी डेट शीट है, आप वीडियो रोक के इसको नोट कर सकते हैं। डेट शीट में दोस्तों थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। पहले 12/3/2020 को विज्ञान का पेपर था, उसकी जगह अंग्रेजी का पेपर लिया जा रहा है। और साथ में 20 तारीख को यहाँ दोस्तों छुट्टी दी गई है और 21 तारीख को विज्ञान का पेपर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस डेट शीट को आप ध्यान से नोट कर लें। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो साथी चैनल में पहली बार आए हैं वो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।